हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं मस्टर्ड और सैफ्लावर के इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। गाइस, मस्टर्ड एंड सैफ्लावर बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स। मस्टर्ड और सैफ्लावर दोनों के ही जो ऑयल होते हैं वो एडिबल ऑयल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। मस्टर्ड के कुछ मेजर इंसेक्ट पेस्ट में से फर्स्ट है मस्टर्ड सॉफ्लाई, जो कि मस्टर्ड का मेजर पेस्ट है। एथालिया लुजेंस साइंटिफिक नाम है। ये ऑर्डर हैमरम टेरा फैमिली टेंथरिटिनिडी के मेंबर्स हैं। जो एडल्ट फीमेल होते हैं वो उनका ओविपोस्टर सॉ लाइक होता है। सॉ दैट मीन्स आरी के समान होता है, इसीलिए इनको सॉ फ्लाई का नाम दिया गया है। गाइस, जो फुली एडल्ट होने पे 8 से 11 mm तक लंबे हो सकते हैं। ऑरेंज कलर्ड और ब्लैक ब्राउन कलर के इनके विंग होते हैं। इनका जो पंख होता है ट्रांसलूसेंट होता है। स्मोकी ब्राउन कलर का होता है, जिसमें ब्लैक कलर के जो वेंस होते हैं क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मस्टर्ड पे ही अटैक करते हैं। मस्टर्ड के अलावा ये क्रूसीफेरस क्रॉप पे ही अटैक कर पाते हैं, इसके अलावा किसी अन्य होस्ट पे अटैक नहीं करते। इनका लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ये इंसेक्ट्स होते हैं लगभग 25 से 30 दिन में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एडल्ट फीमेल पत्तियों को काट के स्लाइड्स के ऊपर अंडे देती है। ये अंडे सिंगल सिंगल हो सकते हैं और एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 60 to 100 अंडे देती है। इनका जो एक पीरियड है लगभग 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 4 से 5 दिन पश्चात न्यूली हेज लार्वी जो है वो पत्तियों पे फीड करना स्टार्ट करते हैं। लार्वी सिलेंड्रिकल ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है, जिसमें क्या कहना चाहिए 7 से 8 पेयर प्रोलेक्स होते हैं। फुली ग्रोन लार्वी मेजर 16 to 18 mm लेंथ। ऑन द टच लार्वी सडनली फॉल्स ऑन ग्राउंड एंड लाइक अ फेन डेथ। लार्वल पीरियड जो होता है लगभग 13 से 18 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं और इनका प्यूपेशन सॉयल में होता है। प्यूपल पीरियड जो है 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है लगभग 30 से 35 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। नेचर ऑफ डैमेज की अगर बात करें तो जो अर्ली इंस्टार लार्वे होते हैं वो पत्तियों को खुरच के खाते हैं, स्क्रैप करके खाते हैं, जिसके रिजल्टेंस में पत्तियां सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाती हैं। लेटर जो बाद में जो लार्वे हैं बड़े होने पे पत्ती को साइड से खाना स्टार्ट करते हैं, मार्जिन से खाना स्टार्ट करते हैं और मिड रिब की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे डिवोर द एपिडर्मिस ऑफ द सूट, रिजल्टिंग इन ड्राइंग अप ऑफ सीडलिंग्स एंड फेलर टू बेयर सीड्स इन ओल्डर प्लांट्स। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको समर प्लोइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अर्दन प्यूपा बनाते हैं, सॉइल में प्यूपेशन में जाते हैं, इसलिए हम समर प्लोइंग करके इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन क्लीन कल्टीवेशन। इनका अल्टरनेट होस्ट जो होता है वाइल्ड वेराइटीज मस्टर्ड के, उनको हटा देना चाहिए अर्ली शोइंग भी कर सकते हैं। अर्ली शोइंग के साथ साथ में हमको सीडलिंग स्टेज में इरिगेशन करना चाहिए, वो भी मेंटेन रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने से भी प्लांट ससेप्टेबल हो जाते हैं। प्लस न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट भी हमें रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। यूज़ ऑफ बिटर गॉर्ड सीड ऑयल इमल्सन इज़ एन एंटीफिडेंट। बिटर गॉर्ड का जो बीज का ऑयल इमल्सन होता है ये एंटीफिडेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मेलाथियॉन 50 EC एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर हेक्टेयर और क्विनॉल फॉस 25 EC एट द रेट ऑफ 625 ml पर हेक्टेयर हम स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मस्टर्ड एफिड, लाइपेफिस क्रिसमी। ये ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एफिडिडी के मेंबर्स होते हैं।
जो कि बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके बैक साइड पे, पीछे एब्डोम लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्रोनिकल्स पाए जाते हैं। गाइस एफिड जो होते हैं ये जनरली सेकेंड या थर्ड वीक, दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक से अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जो कि कंटिन्यू मार्च तक रहते हैं। इनका जो कलर है ये पेल ग्रीनिश कलर के होते हैं और ये पियर शेप्ड होते हैं। इनके लिए जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 8 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्लाउडी या फिर कोल्ड वेदर में हो सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 70 to 80% है तो इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। इस कंडीशन में इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। रेनी और ह्यूमिड वेदर जो है, रेनी एंड ह्यूमिड वेदर हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। ये जो कंडीशन होता है इसमें इनका पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ता है और ये अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। इनके लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स ब्रीड पार्थेनोजेनेटिकली, जो एफिड्स होते हैं पार्थेनोजेनेटिकली ब्रीड करते हैं। जो फीमेल है एक बार में अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 150 तक निम्फ को जन्म देती है। दे ग्रो फास्ट एंड फुल फेड इन 7 to 10 डेज, ये लगभग 10 से 12 दिन में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक साल में लगभग 45 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये सैप फीडर होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से सैप को सक करके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बोथ निम्स एंड एडल्ट सक द सेल सैप फ्रॉम लीव्स स्टेम्स एंड बर्ड्स एंड पोर्स। कर्लिंग में ऑकर इन इन्फेस्टेड लीव्स एंड गेट एडवांस्ड स्टेज प्लांट्स में वाइदर एंड डाई। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फीड करने के अलावा बहुत सारे जो वायरल डिसीज होते हैं उनको भी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। हनी ड्यू एक्सक्रीटेड एज रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ सूटी मोल्ड एंड कम इन द वे ऑफ पार्थेनोजेनेटिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। द इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट्स लुक सिकली एंड ब्लाइटेड इन अपेयरेंस। इनके जो शूटिंग मोल्ड की वजह से ब्लाइटेड अपेयरेंस दिखाई देता है इन्फेक्टेड प्लांट्स में। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें मस्टर्ड के टॉलरेंट वैराइटीज जस्ट लाइक JM1 और RK9501 इनका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम येलो स्टिकी ट्रैप भी कर सकते हैं और कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल या फिर मेंटिस वगैरह को हम कंजर्व कर सकते हैं। कुछ सेवरल स्पीसीज हैं सर्फिड्स के, जैसे कि एरिस्टेलिस स्पीसीज या मेटा सर्फस स्पीसीज, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनको फील्ड में हम रिलीज करके इनका कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज़ मस्टर्ड पेंटेड बग। मस्टर्ड पेंटेड बग को ही बगराडा बग के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है बगराडा हिलेरिस। ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली पेंटेटोमिडी। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं मीडियम साइज्ड स्मॉल साइज्ड बग होते हैं, जिनका कलर ब्राइट ब्लैक होता है, ब्राइट ब्लैक कलर के होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छे पैटर्न में कलरफुल ऑरेंज कलर के पैटर्न्स बने हुए होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स हैं इनका लाइफ साइकिल लगभग 30 से 35 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। पेंटेड बग्स लेज इट्स एग इन क्लस्टर्स ऑन लीव्स और ऑन द सोयल अंडरनेथ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के पास ही सॉयल में या फिर पत्तियों के निचली सतह पे ये अंडे देते हैं। एग्स आर बैरल शेप्ड, इनिशियली वाइट एंड टर्न्स ऑरेंज विथ एज। सिंगल फीमेल कैन ले एज मैनी एज 100 eggs विद इन 2 to 3 weeks। 2 से 3 सप्ताह में जो एडल्ट फीमेल होती है ये लगभग 100 अंडे देती है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज
5 to 8 days। इनका जो लार्वल पीरियड है वो 5 से 8 दिन का होता है, सॉरी इनका जो एक पीरियड है वो 5 से 8 दिन का होता है। 5 से 8 दिन पश्चात में अंडे से न्यूली हेज निम्फ बाहर निकलते हैं। निम्फ पासेस थ्रू 5 स्टेजेस, इनमें 5 स्टार 5 स्टेज कंप्लीट करते हैं निम्फ, उसके पश्चात ही एडल्ट बन जाते हैं। इनका जो निम्फ स्टेज है वो लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। एडल्ट बग इज टिपिकली सील्ड शेप्ड, 5 to 7 mm लॉन्ग एंड 3 to 4 mm ब्रॉड। एट इट्स वाइडेस्ट एरिया द अपर सरफेस हैज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक व्हाइट एंड ऑरेंज मार्किंग विच गिव्स द इंसेक्ट इट्स कॉमन नेम हार्लेक्विन बग और पेंटेड बग। क्योंकि मैंने पहले ही बताया इनका जो कलर है ये ब्राइटली कलर्स होते हैं, जिनमें ऑरेंज व्हाइट और ब्लैक कलर के पैटर्न्स बने हुए होते हैं, जिस कारण इन्हें पेंटेड बग के नाम से जाना जाता है। द लाइफ साइकिल लास्ट 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स जैसे कि मैंने पहले बताया 30 से 35 दिन में इनका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। एक साल में ये कई जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। पीरियड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पेंटेड बग स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर। इनके नेचर ऑफ डैमेज की अगर बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सकिंग पेस्ट होते हैं। एडल्ट और निम्फ दोनों ही प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सेप को सक करते हैं, जिसके फलस्वरूप में जो यंग प्लांट हैं उसमें विल्टिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बोथ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ यील्ड इज अफेक्टेड व्हेन ग्रोन अप प्लांट्स आर सेवरली अफेक्टेड। इन सर्टेन ईयर्स दे अपेयर इन एपिडेमिक फॉर्म्स। द निम्स एंड एडल्ट ऑल्सो एक्सक्रीट अ सॉर्ट ऑफ रेसिनियस मटेरियल विच स्पॉइल्स द पोर्स। ये इनके जो निम्फ और एडल्ट दोनों ही कुछ चिपचिपा गोंद सा पदार्थ निकालते हैं, जिसकी वजह से पोर्स भी डैमेज हो जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंडे इनके अंडे डाइपोस में या फिर निम्फ डाइपोस में चले जाते हैं सॉइल के अंदर ही, जिसको हम डीप समर प्लोइंग करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये नष्ट हो जाते हैं। अर्ली सोइंग इज नीडेड टू अवॉइड पेस्ट अटैक। इरिगेट द क्रॉप डूरिंग 4 वीक्स आफ्टर सोइंग टू रिड्यूस पेस्ट अटैक। क्विकली थ्रेसिंग ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी डन। हमें हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही थ्रेसिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंडे क्रॉप में बने हुए होते हैं। जो बीज होता है नेक्स्ट सीजन के लिए जो हम सीड निकालते हैं उसमें इनके अंडे छूट जाते हैं, जिनका थ्रेसिंग करके हम क्लीनिंग कर सकते हैं। बर्न एंड रिमेन्स ऑफ मस्टर्ड क्रॉप सो दैट द स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट डू नॉट रीच द नेक्स्ट ईयर क्रॉप। ये जो क्रॉप रेसिड्यू में इनका इनके अंडे या फिर निम्फ बचे हुए होते हैं उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गाइस अब हम बात करते हैं सेफ्लावर के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। मेनली सेफ्लावर में दो ही स्पेसिफिक पेस्ट लगते हैं, जो है सेफ्लावर एफिड एंड सेफ्लावर बटरफ्लाई। देन फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट सेफ्लावर बटरफ्लाई। एकेंथोफिलस हेलियंथी। एकेंथोफिलस हेलियंथी इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली टेफ्रिडीडी। टेफ्रिडीडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ये गाल मेकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट क्रॉप में उनके बर्ड्स में या फ्लावर बर्ड्स पे या फिर लीफ बर्ड्स पे अपने अंडे देते हैं, जहाँ से लार्वे निकल के प्लांट पे फीड करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें गाल्स बन जाते हैं। तो एडल्ट फ्लाइज जो हैं सेफ्लावर बटरफ्लाई के वो एश कलर्ड राख के समान दिखाई देते हैं। एश कलर्ड होते हैं विथ लाइट ब्राउन लेग्स। द एडल्ट आर एक्टिव फ्रॉम मार्च टू मई। न्यूली हेज लार्वे फीड ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ कैप्सूल
अफेक्टेड बर्ड्स शो स्मॉल बोर्ड होल्स, द इन्फेस्टेड बर्ड्स रोटन विथ अ फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग ऊज कमिंग आउट ऑफ द बर्ड्स एंड गिविंग अ शॉक्ड अपेयरेंस ऑफ द बर्ड्स। इनकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो जो फीमेल, इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है लगभग 20 दिन में, 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। 20 दिन के, 20 दिन नहीं बल्कि 15 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर ही इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं। जो एडल्ट फीमेल होते हैं वो क्लस्टर्स में अंडे देते हैं, 6 से 20 अंडे तक एक साथ देते हैं। इनका जो एग पीरियड है 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अडर्टी वाइट कलर जो मैगट हैं वो हैचिंग के तुरंत पश्चात फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैगट इज डर्टी वाइट इन कलर एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन द थैलेमस, ये थैलेमस में फीड करने स्टार्ट करते हैं। और इनका जो मैगट पीरियड है, लार्वल पीरियड है, वो 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्यूपेशन बर्ड्स के अंदर ही, गाल के अंदर ही होता है, जिनका प्यूपल पीरियड 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन दैट मीन्स लास्ट क्रॉप रेस, लास्ट सीजन के जो क्रॉप रेस हुए हैं उन्हें जलाकर नष्ट कर देनी चाहिए। उसके अलावा द अर्ली रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड बर्ड, जो बर्ड जिसमें गाल बन चुके होते हैं या फिर इन्फेस्टेड बर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। इसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक डाइमेथोएट 30 EC, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं 60 to 650 ml पर हेक्टेयर की दर से, या फिर माइलाथान 50 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज सैफ्लावर एफिड। सैफ्लावर एफिड जो है डेक्टिनोटस कार्थेमी, डेक्टिनोटस कार्थेमी ये ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एफिडिडी के मेंबर्स होते हैं। ये भी पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि पियर शेप्ड होते हैं। सारे एफिड्स पियर शेप्ड ही होते हैं, जिनके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्रोनिकल्स पाए जाते हैं। इनके नेचर ऑफ डैमेज की अगर बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं एफिड्स, ये एक साथ बहुत अधिक संख्या में, लार्ज नंबर में एक साथ इकट्ठे होते हैं और प्लांट्स के टेंडर पार्ट से सैप को सक करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दे सक द सैप फ्रॉम लीव, शूट, फ्लावर्स एंड कैप्सूल्स एंड अफेक्टेड प्लांट्स रिमेन स्टंटेड। हनी ड्यू एक्सक्रीशन डेवलप्स सूटी मोल्ड्स सो अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। अबाउट 40 to 50% यील्ड लॉस ऑब्जर्व ड्यू टू दिस इंसेक्ट इन्फेस्टेशन में ऑकर 30 to 45 days ओल्डर प्लांट। सीड प्रोडक्शन इज सिवियरली अफेक्टेड। सीड प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस इंसेक्ट का अगर अटैक होता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें अर्ली शोइंग करनी चाहिए। लेट शोइंग करने से इनका इन्फेस्टेशन बहुत अधिक हो जाता है। इफ द अटैक इज ऑब्जर्व इन द बॉर्डर रो, टेक कंट्रोल मेजर, अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज जो नाइट्रोजन होते हैं प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ तो करते हैं बट वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ प्लांट को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, इसलिए हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज से बचना चाहिए। मेंटेन 2 or 3 rows ऑफ मेज एंड सोरगम अराउंड द फील्ड। रिलीज ऑफ क्राइसोपरला, एक क्राइसोपरला इज अ पैरासिटॉइड, सॉरी क्राइसोपरला इज अ प्रीडेटर जिसको हम रिलीज कर सकते हैं फील्ड में। उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफॉस और डाइमेथोएट, इनका हम इस फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पर हेक्टेयर की दर से। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।